हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम क्लास थर्ड में हिंदी पढ़ेंगे. हिंदी में हम क्या करने वाले हैं आज, पार्ट पाँच, स्वच्छता से स्वास्थ्य. इसको सभी ने रीड कर लिया था. आज हम इसका क्या करेंगे, अभ्यास. ठीक है, शब्द ज्ञान सबका हो गया था बेटा. मित्र, मित्र का क्या होता है, दोस्त. दूषित, दूषित का क्या होता है, गंधा. सप्ताह, सप्ताह मतलब रविवार शनिवार का तक 7 दिन. क्या होता है सप्ताह का, रविवार से शनिवार तक का जो पूरा सप्ताह होता है, उससे पूरा दिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सप्ताह. स्वच्छ मतलब क्या होता है, साफ. अब इसका है अभ्यास मौखिक. देखिए, केतन विद्यालय क्यों नहीं आ रहा था, केतन विद्यालय क्यों नहीं आ रहा था. आंसर देखिए, केतन विद्यालय इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वह बीमार था. क्यों नहीं आ रहा था केतन विद्यालय, केतन विद्यालय इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि वह बीमार था. ठीक है, जतिन केतन के घर क्यों गया, जतिन केतन के घर क्यों गया था. इसका आंसर होगा, जतिन केतन के घर उससे मिलने गया. क्यों गया था जतिन केतन के घर, जतिन केतन से के घर उससे मिलने गया. फिर है, जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या देखा, जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या देखा. इसका आंसर है, जतिन ने केतन के मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर देखे. क्या देखे, कूड़े के ढेर. जतिन ने केतन के मोहल्ले में क्या देखा, इसका आंसर क्या होगा, जतिन ने केतन के मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर देखा. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न. केतन के बीमार पड़ने का क्या कारण था, केतन के बीमार पड़ने का क्या कारण था. इसका आंसर है, केतन ने पकौड़ी बेचने वाले से पकौड़ी खरीद कर खाई और अगले ही दिन बीमार हो गया. या फिर इसका आंसर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, केतन ने पकौड़ी खरीद कर खाया इस कारण वह बीमार पड़ गया. इसको ऐसा भी लिख सकते, केतन ने पकौड़ी खरीद कर खाया इस कारण वह बीमार पड़ गया. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इसको, केतन के बीमार पड़ने का क्या कारण था, केतन ने पकौड़ी बेचने वाले से पकौड़ी खरीद कर खाई और अगले ही दिन कैसा हो गया, बीमार हो गया. ठीक है, फिर है, हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, बताइए हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा, हमें कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए. हमें कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए, हमें कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए. कूड़ेदान को किस ढंग से रखना चाहिए, कूड़ेदान को किस ढंग से रखना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा, कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए. क्या होगा इसका आंसर, कूड़ेदान को ढककर रखना चाहिए. ठीक है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. क्या है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें है, अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा, अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए. क्या होगा, हम अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए. फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसका आंसर क्या होगा, अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट, देश के हर नागरिक को अपने किन कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए.
देश के हर नागरिक को अपने किन कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? देश के हर नागरिक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डाले और कूड़ादान को कैसा रखे? ढक कर रखे। देश के हर नागरिक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डाले और कूड़ेदान को ढक कर रखे। ठीक है, इस फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, अपने शहर को साफ रखने के लिए हमें कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है, देश के हर नागरिक को अपने किन कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर होगा, देश के हर नागरिक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कि कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डाले और कूड़ेदान को ढक कर रखें। ठीक है, अब है नेक्स्ट, सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाइए। जिस भोजन पर मक्खियां भिनभिना रही हो उस भोजन को खाना चाहिए। क्या है? जिस भोजन पर मक्खियां भिनभिना रही हो उस भोजन को खाना चाहिए। खाना चाहिए क्या? जिस भोजन में मक्खियां भिनभिना रही हो उसको खाते हैं क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। हमें कूड़ा सड़क पर फेंकना चाहिए। क्या हमें कूड़ा का सड़क पर फेंकना चाहिए या कूड़ेदान में डालना चाहिए? कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में। तो यहाँ पर क्या है? हमें कूड़ा सड़क पर फेंकना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? गलत। हमें अपने मोहल्ले और अपने शहर को साफ रखना चाहिए। हमें अपने मोहल्ले को अपने शहर को साफ रखना चाहिए। बताइए, हमें अपने मोहल्ले को शहर को साफ रखना चाहिए या गंदा रखना चाहिए, इधर उधर कचरा फेंकना चाहिए? कैसा रखना चाहिए? साफ। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट। केवल अपने घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या अपने घर की सफाई पर ध्यान देना चाहिए? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। ओके, अब है नेक्स्ट, देखिए भाषा ज्ञान। नीचे दी गई कहानी में सर्वनाम शब्द पर गोला लगाइए। एक कौवा प्यासा था, वह पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे पानी का एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में पानी कम था। उसने पानी पीने का उपाय निकाला। उसने कंकड़ उठा उठा कर घड़े में डाले। पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी पिया, वह उड़ गया। इसमें स्वर्णाम, स्वर्णाम संज्ञा, संज्ञा में क्या होता है बेटा? यहाँ पर नाम। तो नाम को हटाकर वहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वर्णाम। जैसे स्वर्णाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वर्णाम कहलाते हैं। कुछ स्वर्णाम शब्द है जैसे मैं, तुम, वह, उसे, उसने, इसे आदि। तो जैसे संज्ञा शब्द, जैसे आप, जैसे ए होता है रमेश ने पानी पिया। तो वहाँ पर अगर स्वरनाम हटाकर, संज्ञा हटाकर स्वरनाम लगाएंगे तो क्या होगा? उसने पानी पिया, वह पानी पिया, ये स्वरनाम होता है। तो जैसे एक कौवा बहुत प्यासा था, वह, तो वह क्या हो गया? स्वरनाम हो गया। पानी की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे, उसे, उसे क्या हो जाएगा? स्वरनाम। तो इस पे आपको सर्कल लगाना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं? वह, उसे, उसने, उसने, वह, ये सब क्या है? स्वरनाम है। ठीक है, फिर है कुछ पुनरुक्त शब्द लिखिए। जैसे एक ही शब्द बार बार रिपीट होते वाले शब्द लिखना है। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम एक साथ दो बार कर सकते हैं, उन्हें पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे जगह जगह, घर घर, बात बात, जय जय, ऐसे शब्द आपको लिखना है। यही शब्द क्या होता है? पुनरुक्त शब्द। अब है
विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत विपरीत यानी क्या होता है? विलोम शब्द। जैसे बदबू, बदबू का क्या होगा? खुशबू। गंदगी, गंदगी का क्या होगा? सफाई। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या होगा? अस्वस्थ। स्वस्थ का क्या होगा? अस्वस्थ। खुला, खुला का क्या होगा? ढका। सही का क्या होगा? गलत। फिर से रिपीट कर रही हूँ, बदबू, बदबू का क्या होगा? खुशबू। गंदगी का सफाई। स्वस्थ का अस्वस्थ। खुला का ढका। सही का विलोम गलत। ओके, आपको इसको पढ़ना है। क्या उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को ही विलोम कहते हैं। जैसे रात का क्या होता है? दिन। सुबह का शाम। सही का गलत। ये होते विलोम शब्द हैं। ठीक है, अब है श्रवण कौशल। अध्यापक, आपके अध्यापक अध्यापिका पाठ से कुछ वाक्य पढ़ रहे हैं जो कि अधूरे। ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। क्या है? मित्र, शत्रु। बताइए केतन, केतन और जतिन दोनों मित्र थे या शत्रु थे? कौन थे? मित्र। तो आपको मित्र में टिक लगाना है, शत्रु पे रॉन्ग करना है। तैयारी या बीमारी, बताइए। केतन बीमार हुआ था क्या? तैयार हो रहा था, क्या आएगा? तैयारी कर रहा था क्या? बीमार हो गया था। तो एक बीमारी, तैयारी गलत हो जाएगा और बीमार सही हो जाएगा। फिर चिंता याद, जतिन को केतन की चिंता हो रही थी क्या? याद आ रही थी, उसको चिंता हो रही थी क्योंकि वो एक सप्ताह तक स्कूल नहीं गया था। तो यहाँ पर राइट लगेगा और यहाँ पर रॉन्ग लगेगा। कूड़ा घरों, स्नान घरों। ये कूड़ा, कूड़ा कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? कूड़ा घर पे फेंकना चाहिए ना। तो इस पे राइट लगेगा और स्नान घर पे रॉन्ग। स्वच्छ अस्वच्छ, स्वस्थ या अस्वस्थ। स्वच्छ अस्वच्छ काय में लगेगा? स्वच्छ अस्वच्छ में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, आओ कुछ करें। आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कक्षा में परिचर्चा कीजिए। आप अपने आसपास का वातावरण कैसा रखेंगे? साफ रखेंगे, गंदा रखेंगे, कैसा रखेंगे, उस बारे में आप चर्चा करिए। नीचे लिख दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर जो आपको ठीक लगते हैं उन पर निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर मिठाई मिल रही है, मिठाई की दुकान है। ये खुली हुई है और ये ढकी हुई है, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? ढका वाला। तो इस पे आपको राइट लगाना है। ये कूड़ादान है, कूड़ादान खुला हुआ है, ये बंद है, तो दोनों में से कौन सा सही होगा? कूड़ेदान को कैसा रखना चाहिए? ढककर। तो इस पे राइट का निशान लगाना है। अब ये है, इसने आइसक्रीम खाया। इसने रैपर कहाँ फेंक दिया? सड़क पर ही फेंक दिया। इसने रैपर कहाँ डाला? ये डस्टबिन में। तो याला सही होगा कि याला सही होगा? आप लोग कुछ खाते तो क्या रोड में ही फेंक देते हैं? उसको कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में। तो इस पे टिक लगाएंगे। ठीक है, अब बेटा इसमें से आप लोग को क्या क्या करना है? मौखिक करना है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है, सही गलत करना है और विपरीत शब्द लिखना है। आपको यहाँ पर स्वर नाम की परिभाषा लिखना है, उसके एग्जाम्पल देना है, पुनरुक्त शब्द के भी आपको करना है। ठीक है, बस इतना ही करेंगे और याद भी करेंगे। सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बाय।